हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एक्सेल शीट से फिल्टर लगाकर डेटा लेकर आएंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने गेट ए रॉ किया था, उसमें एक ड्रॉबैक था कि नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं जो फिल्टर फाइंड करना चाह रहे हैं वो उसमें यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो वो गेट ए रॉ वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, शीट जो है इसमें हमने गेट ए रॉ से एम्प्लॉय आई डी के बेस पर डेटा लेकर के आए थे जो कि यहाँ पर यूनिक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट हमें फिल्टर करना हो कि मुझे सारा आईटी डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए, या फिर स्पेशल कोई क्वेश्चन के हिसाब से कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो वो मैं गेट ए रॉ से नहीं कर सकता हूँ। तो उसे हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं फटाफट से एक फ्लो क्रिएट कर लेता हूँ। अभी सिंपल रखते हैं। अब देखिए, फिल्टर करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेल वाली शीट के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे जो रिकॉर्ड हैं उसको गेट करेंगे, जैसे हमने लिस्ट रॉ प्रेजेंट इन द टेबल में किया था। अब उसके ऊपर एक फिल्टर लगाएंगे। तो जल्दी से हम इसको एक्सेल को सबसे पहले लिस्ट रॉ प्रेजेंट इन द टेबल कर लेते हैं, तो इससे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये डेटा रख लिया है मैंने। अब जब रन करेंगे तो इसके सारे रिकॉर्ड जो आ जाएंगे। अब इस रिकॉर्ड को नहीं, जो इसी जेसन फाइल आई है उसको हमें फिल्टर लगाना है। तो हम एक और नेक्स्ट एक्शन ऐड करेंगे और हम यहाँ सर्च करेंगे फिल्टर। तो हमें डेटा ऑपरेशन के अंदर मिलेगा फिल्टर एरे। सबसे पहले डेटा ऑपरेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जो हम आगे सीखेंगे, पर इसमें देखिए एक है फिल्टर एरे, इस पर क्लिक करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक एरे है, इस आप देखेंगे जिस मैंने इसको आपको जो डेटा दिखाया था इसके अंदर एक जेसन फाइल थी और हर जेसन फाइल में एक ब्लॉक ऑफ कोड था, यानी कि आईडी नंबर वन के लिए अलग, आईडी नंबर टू के लिए अलग, यानी वो एक पूरे रिकॉर्ड का एक एरे है। तो यहाँ पर हम एक्सेल वाले स्टेप से हम वैल्यू सेट कर लेते हैं और उस वैल्यू में वो पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एक कॉलम पर फिल्टर लगाने वाले हैं। तो वैल्यू लगाने के बाद हम किसी भी पर फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के डिपार्टमेंट लेते हैं और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हो, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, इक्वल टू हो क्या जो हम या तो यहाँ मैनुअल टाइप कर दें या फिर ऊपर इनपुट ले लें यूजर से और वही यूजर से जो इनपुट है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कर लेते हैं और उसका नाम भर लेते हैं डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और यहाँ मुझे डिपार्टमेंट मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप से, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट हम इस स्टेप में देंगे वो डिपार्टमेंट यहाँ लग जाएगा। और ये एक तरह से काम करेगा फिल्टर का, कि डिपार्टमेंट जो है एक्सेल का जो डिपार्टमेंट है वो इक्वल हो सिर्फ वही डिपार्टमेंट के जो हमने ऊपर डाला है, ठीक है। सेव करते हैं और रन करते हैं फ्लो को और चेक करते हैं ये सेव हो रहा है, सेव हो गया है। टेस्ट करते हैं मैनुअली, फ्लो टेस्ट कंटिन्यू। अब देखिए डिपार्टमेंट मांग रहा है, तो हम एग्जाम अभी डालते हैं एच आर डिपार्टमेंट और रन करते हैं, ठीक है। ये स्टेप रन हो गए हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप में जाएंगे आप, तो जो इसका आउटपुट था जैसा हमने अभी दिखा था, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। देखो इसको थोड़ा फॉर्मेट करेंगे तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने पहले बात की थी, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे अगर मैं इसके वैल्यू वाले कंटेंट में जाऊं, देखिए यहां से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। तो वैल्यू में एक एरे है, तो देखो पहला एरे ये रहा जिसका जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, इस तरह से वो दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथा, पांचवा, सारे एरे आ रहे हैं। अब हम जाते हैं अपने फिल्टर एरे वाले ऑप्शन में। तो इस एरे का इसका रिजल्ट क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद अब देखिए इस फिल्टर एरे के इनपुट में क्या गया है, वही एरे जो हमने यहां पर देखा था, ठीक है। तो वही सेम दिख रहा है, वैल्यू वाला जो ऑप्शन था वही सारा है इसके अंदर, एक रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ, इस तरह से। लेकिन इसके आउटपुट में देखिए
अब आउटपुट में सिर्फ एचआर का डेटा आ रहा है, सिर्फ एचआर दूसरा एचआर, तो इसमें कॉपी कर लेता हूं और यहां डालता हूं। देखिए अब इसमें क्या रिकॉर्ड आ रहे हैं, सिर्फ एचआर है यहां पर, सेकंड वाला भी एचआर है, थर्ड वाला भी एचआर है, फोर्थ भी एचआर है। देखिए चार रिकॉर्ड फिल्टर हुए हैं और चारों ही एचआर का से रिलेटेड डेटा है। ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एक फिल्टर लगा सकते हैं डेटा के ऊपर। अगर कोई डाउट है आपका तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।